नमस्कार दोस्तों, एक चाय के लिए चोर रश्मि देसाई ने जिस तरह से घर में बवाल मचा दिया, बार बार सिद्धार्थ शुक्ला के सामने ऐसी गलत हरकत करेंगे और सिद्धार्थ शुक्ला कितने गलत है लोगों को दिखाने के लिए जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को हम प्रोक करेंगे, ये तो घर वालों की आदत ही बन चुकी है। क्या दोस्तों आपने 1 लीटर में 12-13 कप चाय बनते नहीं देखी है? क्या दोस्तों ये जो घर में चाय पत्ती आई है वो रश्मि देसाई अपने घर से लेके आई है? जिस तरह से उसको पता था कि अगर मैंने लग्जरी बजट टास्क में जो जीता हुआ जो सामान है उसमें से थोड़ी सी भी चोरी की, इसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की टीम को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और लग्जरी बजट वापस जा सकता है, ये पता होने के बावजूद रश्मि देसाई ने चोरी की और बाद में यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को वो इल्जाम लगा रहे कि उसने कैप्टन होने के नाते अच्छा डिसीजन नहीं लिया और उन्होंने अगर सजा देनी थी तो मुझे और विशाल को देनी चाहिए थी, बाकी घर वालों को जिस तरह की सजा दी वो गलत है। दोस्तों यहाँ पे किसको क्या सजा देनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों आपने चोरी की है तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर घर वालों को लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला गलत है तो घर वालों ने इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ये लग्जरी बजट वापस देने की नौबत किसकी वजह से आई? आप खोज रश्मि देसाई और विशाल की वजह से आई। अगर रश्मि देसाई जानबूझ के चोरी करके सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर इसका ब्लेम लगा रही है और घर का जो सो कॉल्ड आसिम है वो आसिम इतने दिन से सिद्धार्थ शुक्ला को अपना दोस्त मानता था, बीच में उन दोनों के बीच में लड़ाई क्या हो गई, अब ये रश्मि देसाई उसका पूरा पूरा यूज करके ले रही है और वो आसिम के कंधों पे बंदूक लगा के सिद्धार्थ शुक्ला को गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आसिम भी पागल है और रश्मि जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को प्रोक कर रही है ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि देसाई को आगे बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला किस तरह का आदमी है आप सबको पता है। अगर सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी चीज के बारे में ठान ली तो वो करता है, उसे घर वाले उसके साथ है या नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और उससे पहले भी हमने देखा है कि पारस उसके खिलाफ था, वो रश्मि के साथ था, लेकिन पारस को जब सच्चाई का पता चला तब वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रश्मि जानबूझ के सिद्धार्थ को टारगेट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है आरान ने जिस तरह से उसे आके बात की कि यार तुम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अगर दुश्मनी निभानी चाहती हो तो दुश्मनी निभाओ, तुम उसके साथ ऐसे हंस के बात मत किया करो, ये बात रश्मि देसाई ने दिल पे लगा ली है और रश्मि देसाई अब जानबूझ के यहाँ पे सिद्धार्थ को टारगेट कर रही है। दोस्तों वो जो 2 लीटर दूध था उसमें से यहाँ पे आसिम और रश्मि का साफ तौर पर यह प्लानिंग था कि अगर हमने 2 लीटर दूध यूज किया तो लग्जरी बजट का जो दूध है उसमें उन्हें वो कॉफी पीने के लिए दूध नहीं बचेगा और दूध खत्म करने की साजिश यहाँ पे रश्मि और आसिम ने की थी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही बड़े स्मार्ट खिलाड़ी और बहुत ही बढ़िया गेम खेलते हैं, इसकी वजह से रश्मि देसाई की ये साजिश पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं रश्मि देसाई को यहाँ पे दोगली कहूंगा और जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि ये वो मुद्दे बनाते हैं, वो सच में मुझे लगता है कि रश्मि देसाई जानबूझ के मुद्दे बनाती है और उन्हें जानबूझ के अटेंशन चाहिए। सोशल मीडिया पे जो सो कॉल्ड लोग है वो आके सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से आसिम को धक्का दे रहे हैं वो बातें बार बार लोगों को बता रही कि यार सिद्धार्थ यहाँ पे मॉन्स्टर हो, जानबूझ के आसिम को धक्का दे रहे हैं और बिग बॉस उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन जिस तरह से आसिम उनको प्रोव करता है वो कोई नहीं देखता। अगर आपके साथ भी एक घर में आपको बंद किया जाए और सामने वाला बंदा आके आपको बार बार प्रोक करे तो आप क्या ताली बजाओ क्या, ये मुझे देखने के लिए अच्छा लगेगा। जो भी सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पे ट्रोल कर रहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनको मजबूर किया जाता है कि वो इस तरह की हरकत कर दे। आपके आजू बाजू में ऐसा कोई गुस्से वाला आदमी रहेगा और उसको आप बार बार प्रोक करेगा तो वो क्या करेगा आप सबको पता है। दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है कि सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी सिद्धार्थ शुक्ला को जो बोल रहे कि यार सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है उन्हें भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि रश्मि देसाई ये जानबूझ के सिद्धार्थ शुक्ला को प्रोक करने की कोशिश कर रही है और आरान और आसिम ने जो आके टीम बनाने की कोशिश की है मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टीम ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि बाहर लोगों का यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को ही सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है रश्मि और आसिम के इस प्लानिंग के बारे में आप जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही। भारत माता की जय।